श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मैं दरबारी लाल डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश के विलेज संदेटा का रहने वाला हूं। बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं और मेरी फैमिली में मेरी वाइफ के अलावा मेरे दो बेटे और एक बेटी है। प्रभु कृपा से घर का माहौल शुरू से बहुत ही भक्तिमय रहा, बहुत पॉजिटिव वातावरण में हम लोग रह रहे हैं। मैं 15 मई 2019 को अपने दोस्त भाई रमेश जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा। जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा और सत्संग सुनना शुरू किया, तब मेरे साथ मेरी वाइफ सोनी जी, मेरा बेटा गुलशन, बेटी कृतिका और छोटा बेटा दिव्यांशु भी कंटिन्यू भगवत गीता का आनंद ले रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। जो गोलोक एक्सप्रेस की जो विशेषता रही है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है इसका टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें हमारे मेंटर जो है, जो हमें समझाते हैं, हम उनके साथ वार्तालाप करके डायरेक्ट उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वो हमें समझाते हैं। इसके अलावा जो गोलोक एक्सप्रेस का बेस्ट मॉडल मुझे लगता है, वो है ऑनलाइन माध्यम, क्योंकि हम घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से सत्संग सुन लेते हैं, जिसके लिए हमें कहीं भी पूरा दिन वेस्ट करके जाने की जरूरत नहीं होती है। ये गोलोक एक्सप्रेस की सबसे बड़ी विशेषता है। और हमें अपने सुविधा अनुसार सत्संग सुनने को ऑनलाइन ही इसके माध्यम से मिलता है। भले ही हम गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले भी डिवोशन करते थे, लेकिन उसका जो सही तरीका है वो हमें पता नहीं था। भले ही हम अच्छे माहौल में रहते हों, लेकिन अगर हमें किसी चीज का भक्ति करने का सही अर्थ मालूम ना हो, तो वो सही तरीके से नहीं चल पाती है। जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा, उसके बाद ही हमें सही तरीका पता लगा कि डिवोशन कैसे होती है। बिंदु सर के साथ जब हमने सत्संग सुनना शुरू किया, उन्होंने हमें डिवोशन का जो है सही अर्थ बताया। और जब से हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो है भक्ति में काफी ज्यादा जो है गेन कर रहे हैं। सत्संग सुनने के बाद हमें पता लगा कि हमें हर रोज किस प्रकार चैंटिंग करनी है। हम लोग अब जो है वो हर रोज जो खाना खाते हैं, वो भोग लगाने के बाद ही खाना खाते हैं। भोग लगाना एक रूटीन की जो हमारी प्रथा बन गई है। इसी प्रकार से माला करना, और चाहे वो स्ट्रक्चरल वे में हो चाहे अनस्ट्रक्चरल में हो, वो बहुत अच्छे तरीके से हमें बिंदु सर ने सिखाया है। पहले जो समय था वो हम वेस्टफुल एक्टिविटीज में ज्यादा गवा देते थे, लेकिन अब जो हमारी रूटीन है उसमें सारी डिवोशन जो है वो हमें मिक्स कर दी है। अब चाहे हम ड्यूटी को जा रहे हों या ड्यूटी से आ रहे हों, हाथ में टैली काउंटर लेकर हमारी जो माला चलती रहती है। घर आकर भी हम स्ट्रक्चरल वे और अनस्ट्रक्चरल वे में दोनों तरीके से जो है वो चैंटिंग करते हैं। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद जो हमारे अंदर की नकारात्मकताएं थी वो खत्म हुई है, जो नेगेटिविटीज थी वो खत्म हो पा रही है, और उसके साथ साथ हमारे अंदर जो है, मेरे अंदर जो है वो सेवा भाव बढ़ रहा है। इस सेवा भाव में क्या है कि हमारा जो हमारे को वर्कर्स होते हैं, उनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन बन पा रहे हैं, क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस ने हमें ये सिखाया है कि किस प्रकार से प्रेम पूर्वक सभी के साथ रहना है। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद जो हमारा नित्य नियम है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। इसके साथ ही बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव अपने अंदर महसूस कर पा रहा हूं, जैसे एंगर मैनेजमेंट, किसी काम के प्रति फोकस, और अपने जो ईर्ष्या थी किसी के प्रति वो भी खत्म हुई। इसके साथ साथ ही जो हमारे मेरे अंदर जो गलत धारणाएं थी वो भी खत्म हुई है। खत्म गलत धारणाएं, जैसे कि हमने अमूमन ऐसा सुना है कि जो भागवत गीता है वो आम तौर पर नहीं पढ़ी जाती। भागवत गीता केवल उसी समय पढ़ी जाती है जब किसी का अंत समय आ रहा हो, कोई मृत्यु शैया पर पड़ा हो, या
जो डिवोशन करते हैं उसके लिए घर बार छोड़कर कहीं जाना पड़ता है। जब सत्संग सुनना शुरू किया, बिंदु सर ने हमें भागवत गीता के बारे में बड़ी बारीकी से समझाया, तब हमें पता लगाया है कि हम भागवत गीता को कभी भी पढ़ सकते हैं। जो डिवोशन है वो कभी भी की जा सकती है, इसके लिए कोई समय की सीमा नहीं होती है, कोई पाबंदी नहीं होती है। डिवोशन किसी भी उम्र में की जा सकती है। ये जो सारी गलत धारणाएं थी, ये गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद ही जो मेरी खत्म हुई हैं। तो मैं इस सभी से ये आग्रह करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो भागवत गीता अवश्य पढ़िए, क्योंकि भागवत गीता ना सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि एक जीवन जीने की कला भी हमें सिखाती है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप भी, चाहे आप किसी अपने किसी भी इष्ट देव को मानते हो, किसी भी इष्ट देव की पूजा करते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, उनकी पूजा अवश्य करिए, डिवोशन के साथ अवश्य अवश्य जुड़िए, आध्यात्मिकता के साथ अवश्य जुड़िए। और जिस प्रकार से मैं अपने अंदर एक पॉजिटिव बदलाव महसूस कर पा रहा हूं, जिस प्रकार से मैंने भागवत गीता को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद जीवन जीने की कला सीखी है, आप भी अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव लाइए, जीवन जीने की कला सीखिए। इसी के साथ, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा और शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल।